नर्वस हूँ लेकिन आई थिंक हम लोग रेडी हैं। मैं अपने रूफ टॉप को लेके थोड़ा नर्वस हूँ यार, वो उड़ के बाहर ना चला जाए बस, बिकॉज मैं वो नहीं चाहता। अरे स्केलेटन्स भी हैं यहाँ। स्माइट 5 तो खतरनाक है भाई साहब। सबसे पहले सोल सैंड, पहले हम लोग ना आयरन गोलम बना लेते हैं यहाँ पे। कोई रिस्क नहीं लेना हमें, सब इसके पास ही लगाने वाला हूँ मैं ऐसी की तैसी। और ये बने हमारे 5। एक्सक्यूज मी, ये बन क्यों नहीं रहा? क्या गड़बड़ कर रहा हूँ भाई मैं? ये अबे ये बन क्यों नहीं रहे बे? ओ ये बन गया। ये भी ऐसे, या 5 आयरन गोलम बन गए। अब बारी है बस इसे स्पॉन करने की। 1 2, मेरे को काफी डर लग रहा है। पहले हम लोग अपनी हेल्थ फुल कर लेते हैं। हेल्थ फुल हो गई, स्प्लैश पोशन ऑफ रीजनरेशन रेडी, एनचेंटेड एप्पल रेडी, टॉटम ऑफ अनडाइंग ले रखा है हमने। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एनचेंटेड एप्पल खाऊंगा, फिर इसे लगा के वहां भाग जाऊंगा और अपनी बो से इस पे वार करूंगा। मेरा प्लान ये है। क्या आप लोग तैयार हो खतरनाक फाइट देखने के लिए? बाप रे मेरे को बहुत डर लग रहा है, नर्वस हूं मैं तैयार हूँ, लेट्स डू दिस। ओके कहाँ है मेरा? बूम, भागो भागो, इधर आ गया। अबे बचाओ मुझे ड्रमो, कहाँ देख रहा है वो? अरे ओ नहीं, ओहो ओ, डेंजरस, ये तो डेंजरस है यार, बहुत ऊपर है। और बाप रे, ओ बहुत डेंजरस, तो बहुत डेंजरस है, और मेरे पीछे पड़ गया वो लॉल। ओ नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। नहीं 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 नहीं, मेरे को जाने दो बे ड्रामो। मारो आयरन गोलम्स, कुछ करो यार, या मेरे आयरन गोलम्स कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लॉल आग लग गई मेरे अंदर। ओह यस यस यस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया काम, हो गया काम। इस विदर का कहाँ गया वो? लॉल क्या हुआ, मर गया विदर? क्या मैंने मार दिया उसे? एक्सक्यूज मी, मेरा एक आयरन गोलम मर गया लेकिन मुझे विदर का नहीं पता। विदर मरा क्या? विदर के मरने के बाद यार बीकन मिलता है, बीकन कहाँ है फिर? उसको हमने डेफिनेटली मार दिया ये तो पक्का है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता मेरे आयरन गोलम का अगर लास्ट हिट लगा है तो वो बीकन ड्रॉप करेगा या नहीं। तो वो यहां मरा है तो उसे, ओ नेदर स्टार है मेरे पास, हमने मार दिया उसे। अरे ये फाइट थी, 2 मिनट नहीं चली ये फाइट, वो मेरे सामने 2 मिनट नहीं टिका। लॉल देखो मेरी जगह की हालत, यार मुझे पता था ऐसा ही होगा। देखो मैं पता है कहाँ खेल गया, वो जो मैंने एनचेंटेड एप्पल खाया ना भाई साहब, उसने बचा लिया हमें, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया काम करा मैंने, वो ये था कि मैंने अपने अनस्टॉपेबल को यूज करना बंद करा और मैंने अपनी स्माइट को यूज किया, विदर को उसका गिफ्ट दिया। भाई साहब स्माइट 5 खतरनाक है, उसकी हेल्थ देखी तुमने? बूम, और बाकी मेरे आयरन गोलम्स ने बहुत हेल्प करी मेरी। तो गाइज ये थी विदर फाइट, मैंने स्पॉन करा और जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही नहीं हुआ वैसे तो, क्योंकि मेरा प्लान था इनसे पीछे बच बच के मैं, लेकिन भाई साहब वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो मेरे बिल्कुल सर पे था। मैंने अपने फूड का एक भी पार्ट यूज नहीं करा। वही है ना, इंटेंस फाइट के टाइम पे क्या पता चलता है। तो ये था हमारा विदर बॉस, हमें नेदर स्टार मिल गया। और मैं इजी मोड पे नहीं हूँ, मैं नॉर्मल मोड पे हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इसे नॉर्मल चुना हुआ है तो मैं नॉर्मल पे ही खेला। वो एनचेंटेड एप्पल खेल गया यार, मेरी अटैक पावर बढ़ा दी ना उसने, ऊपर से मेरे पास स्माइट 5 थी। भाई सब खतरनाक। मैंने बेकार की ये चेस्ट वेस्ट बनाई खामा खाकी। उसके बस की नहीं था कुछ। मेरा टोटम ऑफ अनडाइंग भी यूज नहीं हुआ, हाँ मैं मरा ही कहाँ था। एक्चुअली मेरे पास ना बहुत सारे एडवांटेज थे, बिकॉज मेरे पास मेरे 5 आयरन गोलम थे। उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं करा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विदर मुझे मार रहा है तब उन्होंने उस पर अटैक करना चालू कर दिया। तो या ये विदर फाइट ओवरऑल इजी थी, जितना मैं नर्वस था मेरी सारी नर्वसनेस निकल गई थी जब मैंने देखा कि 50% से भी नीचे आ गई उसकी हेल्थ। तो हमारे 2 पोर्शन यूज हुए बस।
उन पोशंस ने भी काफी हेल्प करी वैसे, मेरी हेल्थ जाने नहीं दी बिल्कुल भी। तो तुम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हो कि मेरी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी थी, मैं ऑलरेडी एकदम परफेक्टली रेडी था उससे फाइट करने के लिए। इस नेदर स्टार को बीकन भी कहते हैं ना, या फिर मैं ऐसे ही खामा खां बीकन बीकन बोलने लग रहा था उसे। इट ऑल्सो ड्रॉप्स 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, मेरे को तो नहीं मिले वो, मे बी बिकॉज मेरे आयरन गॉलम्स ने मारा है उसे, इसीलिए लास्ट हिट उनका लगा होगा आई थिंक। पर सीरियसली मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मर जाएगा। तो गाइस ये थी विदर फाइट, क्या बालक था वो यार। मैं बेकार में डर रहा था। लीव अ लाइक अगर आप लोगों को भी ये फाइट देखने में मजा आया है तो। इंटेंस हो गया था क्या मामला? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो मजे ले रहा था उससे। अब सिर्फ एंडर ड्रैगन रह गया है, उससे भी फाइट करनी है हमें। इस वीडियो पे 100,000 लाइक हिट होते ही ना मैं एंडर ड्रैगन का एपिसोड बना दूंगा। तो जल्दी से जल्दी लाइक से भर दो इस वीडियो को और मैं चला दूसरी भयंकर वीडियोस बनाने। इसीलिए गुड बाय। या फिर मेरे साथ मतलब कि कोई भी नहीं, मैं अकेला और सामने वेदर। तो ओके गाइस यार, अभी यहाँ फिलहाल मैं भागते भागते अपने कासल के काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ। और गाइस यार यहाँ पर एक खुला मैदान है तो मेरे हिसाब से मुझे इधर ही वेदर से लड़ना चाहिए। वो देखो सामने की तरफ में मेरा आयरन फार्म, तो मुझे कुछ भी करके ना वेदर को मुंह तोड़ के हराना पड़ेगा। वैसे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना ज्यादा आसान भी नहीं हो हराना। सबसे ताकतवर सबसे ज्यादा हेल्थ वाला मॉन्स्टर है वो माइनक्राफ्ट का, मतलब एंडर ड्रैगन से भी ज्यादा ताकत है उसके अंदर। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से उसे स्पॉन कराते हैं। सबसे पहले काम करता हूँ, खाना खा के अपना पेट भर लेता हूँ। पोशन वोशन तो मैं उसको उतारने के बाद ही पी लूंगा, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। वैसे दोनों पोशन नहीं, पोशन ऑफ रीजनरेशन जो है ना, एक काम करता हूं, इसको मेरे को अच्छे से याद रहे, इसलिए मैं एक काम करता हूं, पोशन ऑफ रीजनरेशन मेरा इस साइड है, मेरे को अच्छे से याद रहना चाहिए, बाद में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बारी उतर गया तो फिर वो हमें पोशन पीने तक का भी टाइम नहीं देगा जहां तक मुझे लगता है। तो गाइस यार वैसे ना भी मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल यहां पर सारे के सारे टूल्स मैंने एकदम बढ़िया तरीके से सेट कर लिए हैं। और गाइस अभी ना जल्दी से काम करता हूं, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ पी लेता हूं, क्योंकि इसका टाइम यार 8 मिनट तक का है। तो एक मैंने पी लिया, दूसरा यहां पर नीचे रख लेते हैं और अभी फटाफट से यहां पर मैं स्पॉन करा देता हूं वेदर को। तो एक इधर और अभी बस मेरे को यहां पर तीनों इसकी मुंडियां लगानी है और जो फिर ये है मतलब कि स्पॉन हो जाएगा। 1 2 स्टार्ट कर देते गाइस 3। तो चलो भाई यहाँ पर मैंने इसे स्पॉन करा दिया। फटाफट से मैं अपने गोल्डन कैरेट नीचे रखता हूँ और फटाफट से यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ वाले पोशन को पी लेता हूँ और दूसरे स्ट्रेंथ वाले पोशन को नीचे रखता हूँ और अभी अपनी बो निकाल के मैं इसे सीधा मारना शुरू कर देता हूँ। बाकी ओ भाई साहब ये देखो भाई यहाँ पर ये उतर चुका है, लेकिन कोई भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पर अपने को इसे हराना है भाई। अगर मैं पीछे वैसे एक सेकंड शांति से खेलना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो भाई कि कितने ज्यादा धमाके कर रहा है भाई, इतना ज्यादा खतरनाक होता था कि एक सेकंड भाई अगर मैं इतनी प्रिपरेशन नहीं करता तो सीधी सी बात है मैं मरने वाला था। तेरी ऐसी इधर से निकल यहाँ से, मेरे कासल की तरफ मत जाइयो भाई, गड़बड़ हो जाएगी यार, इसको मैं नहीं मार पाऊंगा मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन नहीं 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 एक सेकंड, मेरे एक मत्थे पे निशाना मारूंगा ना तो गाइस इसकी हेल्थ बहुत तेज जा रही है। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर पोशन ऑफ स्ट्रेंथ ले रखा था। बाकी नीचे आ गए, नीचे आ गए इसके नीचे उतरेगा, अभी फिलहाल मेरी हेल्थ तो नहीं जा रही ना, इसका मुंह बहुत बुरी तरह तोड़ना पड़ेगा। ओ भाई ये तो मेरे को एक गड्ढे में ढकेले जा रहा है। नहीं 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 इसको तो मैं मार के ही रहूंगा भाई, अभी कुछ भी हो जाए। इधर आ तेरी ऐसे की तैसी भाग यहाँ से। ओ भाई इसको ही मैंने रेल बना दी भाई, रुक जाओ। गया गया गाइस, मेरे को नहीं लग रहा ये ज्यादा देर तक टिकने वाला है। ओ भाई लेकिन ये मर गया। ओ भाई साहब यहाँ पर इसे मैंने कितनी जल्दी मार दिया, वो भी एकदम 1v1 आमने सामने, मैं कहीं पर भी भागा नहीं, कहीं पर भी छुपा नहीं, पूरी की पूरी जगह इसने तोड़ डाली यार कुछ सेकंड में ही। अच्छा हुआ कि मैंने इसे अपने कासल के मैदान में नहीं उतारा, वैसे उतार भी देता ये वहां भी पिटता, बट थोड़े बहुत चांसेस थे कि मेरा कासल तोड़ देता। बाकी इसको मारने के बाद हमें एक नेदर स्टार मिलता। ओ भाई ओ हेलो, ये भाई एक सेकंड, ये वेदर ही था ना, मेरे को नेदर स्टार नहीं मिला, क्योंकि एक सेकंड यार ये कुछ गड़बड़ लग रही है। ओ कुछ मिला, एक सेकंड, अभी तक मेरे को नेदर स्टार नहीं मिला भाई, मैं मार दूंगा भाई। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे को सीन समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हुआ क्या। इसको मारने के बाद एक नेदर स्टार मिलता है जो कि मेरे को नहीं मिला भाई, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करके इसे इतने बड़ी। ओके तो ये रहा वो नेदर स्टार। तो चलो गाइस यार फाइनली हमें नेदर स्टार मिल गया। तो गाइस यार हमने इतनी देर तक जो मेहनत करी थी आखिरकार वो फल लाई और हमने इतनी प्यार से इस वेदर को मारा भाई। मेरे को नहीं लगता किसी ने मारा होगा इसे इतनी बुरी तरह, वो भी इसके सामने खड़े होकर। तो चलो गाइस फाइनली रेल बना दी और मेरे को ना इतने
सारे पोशंस बनाने की भी जरूरत नहीं थी भाई, इतने कम पोशन में ही काम हो गया। उस गोल्डन कैरेट में 28 लेकर आया था भाई, बिल्कुल यूज ही नहीं हुआ। एक गोल्डन कैरेट भी खाने का मेरे को टाइम नहीं मिला। बट ये है कि एंड टाइम पर ना मेरी हेल्थ बहुत तेज जाने लग गई थी, क्योंकि मेरा पोशन ऑफ रीजनरेशन खत्म हो गया था, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ मेरा चल ही रहा था। तो मेन जो काम है मेरे को लगता है वो सब ने ही करा है, क्योंकि प्रोटेक्शन ने मेरी हेल्थ बचा के रखी, पोशन ऑफ रीजनरेशन ने मेरी हेल्थ बार बार ही बढ़ाई। जो भी वो अटैक कर रहा था, जो भी वो इफेक्ट दे रहा था जिससे एचपी जाती है, तो वो उससे कम हो रही थी, लेकिन पोशन ऑफ रीजनरेशन से बढ़ रही थी, जिस वजह से वो वहीं की वहीं पर रुकी हुई थी। और अगर बात करें बाकी, तो भाई सब चीज जो भी मैंने प्रिपरेशन करी थी वो एकदम बेस्ट थी, और मेरे हिसाब से इससे बेस्ट प्रिपरेशन नहीं हो सकती इसको मारने के लिए। तो चलो भाई, मेहनत काफी ज्यादा लगी लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत प्यार से मैंने इसको मार दिया। तो चलो गाइस, फाइनली सब कुछ हो चुका है, और गाइस अब मैं बनाने वाला हूं बीकन। तो बीकन बनाने के लिए हमें थोड़े बहुत ऑब्सीडियन चाहिए एंड मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्लास चाहिए, जो कि मेरे पास ऑलरेडी होगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत ग्लास ले लिया, और इस वाली चेस्ट से मेरे को यहाँ पर एक ऑब्सीडियन भी मिल गया। तो अभी ना गाइस जल्दी से एक काम करता हूँ, नीचे तीन ऑब्सीडियन रखने हैं, बीच में एक नेदर स्टार रखना है, और इसको कवर कर देना यहाँ पर ग्लास से, और फाइनली बीकन बन चुका है। और बीकन का क्या यूज होता है, क्या करते हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, और इसी चीज के लिए मैंने इसे मारा भाई, और किसी चीज के लिए नहीं मारा। और ये जो बीकन है गाइस, इसे मैं जहां पर लगाऊंगा ना, बस अभी देखते जाओ कितना ज्यादा बढ़िया चीज है। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल मैं सोच रहा था कि बीकन को अपने कासल के एकदम सेंटर में लगाएंगे, बट अभी ना एक दिक्कत ये आ रही है कि अपने कासल का तो कोई सेंटर है ही नहीं। मतलब एक ब्लॉक राइट साइड में, एक ब्लॉक लेफ्ट साइड में, और ये जो आप बीच वाली लाइन देख पा रहे हो ना, ये है सेंटर जिसके अंदर हम लोग कोई भी ब्लॉक रख नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, बीकन को हमें या तो थोड़ा सा राइट या फिर थोड़ा सा लेफ्ट रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से लुक ना थोड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने कासल को पूरा एक एक ब्लॉक मेंटेन कर बनाया है। तो एक काम करता हूं यार, दो बीकन का जुगाड़ करना पड़ेगा, और दूसरा बीकन लाने के लिए हमें एक और वीदर को मारना पड़ेगा। और वैसे कोई नहीं, जब भी फ्री टाइम होगा ना, मैं दोबारा से उसे बुला के मारूंगा, और एक और हमें बीकन मिल जाएगा। बस वही पोशन वोशन सब कुछ जैसे अभी करा था ना, सेम करना है। तो बिना फिलहाल एक काम करता हूं, एक यहां पर मैं बीकन बना लेता हूं, दूसरा फ्री टाइम में बना लेंगे। तो वो जो बीकन है गाइस यार, यहां पर मैं सोच रहा हूं बनाने के लिए, तो ये अपने कासल का टावर। तो ये जगह ना एकदम खाली पड़ी है, मतलब पूरा एकदम खाली स्पेस है, तो यहां पर बनाते हैं। अभी फिलहाल वो ऊपर रख लेता हूं, शवल नीचे कर देता हूं, और अपना काम यहां पर शुरू कर देता हूं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, ये जो बीकन है ना, सिंपली इसको मेरे को लेना है और यहां पर रख देना है। बट रखने से पहले ना, इसके नीचे मेरे को ब्लॉक ऑफ आयरन रखने पड़ेंगे कुछ इस टाइप से। तो यहां पर मैं 9 ब्लॉक्स तोड़ता हूं, 1 2 3 4 5, ये 9 टूट गए ना, ओके, तो शायद से 9 टूट गए हैं। अभी फटाफट से यहां पर मैं ब्लॉक ऑफ आयरन लेता हूं, थोड़े से इधर थोड़े से इधर, और अभी जल्दी से ना गाइस इसको मैं यहां पर कुछ इस टाइप से लगाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये लगाना जरूरी है, ये मैं सजावट के लिए नहीं कर रहा, ये लगाना ही जरूरी है। अभी फिलहाल इसको मैंने लगा दिया, और ये देखो गाइस, ये अपना काम करने लग गया, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी ना गाइस इसके अंदर देखो क्या सीन होता है, अभी ना फिलहाल ये फर्स्ट लेवल पे है, यानी कि हमने ये जो आप आयरन ब्लॉक देख पा रहे हो ना, हमने अभी सिर्फ इसकी एक लेयर लगाई है। तो हमें ये दे रहा है स्पीड, हेस्ट से क्या होगा, हम लोग तेज माइनिंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से मेरे को नहीं पता, जंप बूस्टर शायद से हम लोग ऊंची जंप मार सकते हैं, और ये है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से हमारा जो डैमेज है वो कुछ ज्यादा ही जाएगा। लेकिन ये सब जो चीजें ना हमें अभी नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें ना इसकी एक और लेयर बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर मैं इसे तोड़ता हूं पूरा, और जल्दी से ना गाइस एक और लेयर यहां पर बनाते हैं। एक काम करता हूं ना गाइस, एक ही बार में मैं इसकी सारी की सारी लेयर बना डालता हूं, ठीक है, ताकि इसका जितना भी सामान है ना वो सीधा काम करना है स्टार्ट कर दे। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने ये जगह एकदम प्लेन कर दिया। अभी फटाफट से ना यहाँ पर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। तो अभी फटाफट से ना यहाँ पर ये तीनों लेयर को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। अब मैं इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए कि आखिरकार कितने ब्लॉक्स इसके अंदर लगने वाले हैं। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है ना, अपने को ब्लॉक्स की कमी पड़ने वाली है। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं इसको इसके ऊपर रख कर देखता हूँ कि अभी ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो चलो, ये काम तो कर गया। अभी फटाफट से हमें यहाँ पर नीचे उतरना है, और जल्दी से इसकी जितनी भी लेयर है ना गाइस, वो सारी की सारी बनाते जानी है। तो वैसे मेरे पास ज्यादा ही आयरन है, अपना काम जो है जहां तक मुझे लगता है हो जाएगा। तो फटाफट से यहां पर इसकी सेकंड लेयर भी मैं बना देता हूं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर ये इसकी लास्ट लेयर रह रही है, और फाइनली यहां पर मैंने ये वाली लेयर भी बना दी है। तो गाइस अभी ना जल्दी से यहां पर ऊपर चढ़कर देखते हैं। ओके, तो ये देखो यहां पर ये स्ट्रेंथ वाला भी अनलॉक हो गया, यानी कि अगर अभी कोई भी मॉब आता है तो मैं एक ही अटैक में शायद उसे मार सकता हूं। बट इसकी ना गाइस एक लिमिटेड रेंज होती है, जो कि यहां पर लेयर बनाने से बढ़ जाती है, और साथ में चीजें भी अनलॉक हो जाती है। अब बाकी से नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन जो भी है, जो चीज हमें बनानी थी, जो काम हमें करना था, फाइनली कंप्लीट हो गया है। और मेरे को खुद पे हंसी आ रही है कि मैं टॉट टाइम ऑफ फन डाइंग पता नहीं क्या क्या लेकर सोच कर बैठा हुआ था कि इस तरीके से वीदर को मारेंगे, और अगर मर गया तो मेरे को मतलब जिंदा रहना है, बट जो भी बहुत आसानी से मार दिया। तो चलो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 600,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोग ना यार मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर सजेशन दे सकते हो कि ये जो स्केलेटन हॉर्स है मुझे इसका
इसका क्या करना चाहिए, मतलब ये किस काम का है, किस लिए मैंने यहाँ पर इसे बांध दिया, मुझे नहीं मालूम। बाकी इसको तो मैं मतलब कि इसके लिए घर बना देंगे, मुझे पता है बहुत कमेंट आते हैं। तो चलो गाइस यार, कोई दिक्कत नहीं आती, जल्दी उसके लिए भी घर बन जाएगा। तो चलो गाइस यार, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। Yeah.